नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताएं, अभी हम जो है काशीपुरी में गए। काशीपुरी में यहाँ पर बहुत पुरानी कंपनी है, बंसल ट्रांसफार्मर कंपनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी ट्रांसफार्मर रखे हैं, यहाँ पर ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं। लेकिन कल रात समय करीब 12 बजे के लगभग यहाँ पर जो फैक्ट्री के मैनेजर ने सूचना उनके चौकीदार द्वारा दी गई कि यहाँ पर आग लग गई है। और इतनी भयंकर आग की जिले के आसपास के थानों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर बुलानी पड़ी, जिससे कि आग पर काबू पाया जा सके। और आप देखते हैं सारे ट्रांसफार्मर जलकर राख हो चुके हैं, लोहा है सारा जल के राख हो गया है। और बड़ी भयंकर आग यहाँ पर आप देख सकते हैं, कितनी भयंकर आग यहाँ पर लगी होगी, जो यहाँ की अभी हालत हो रखी है इस फैक्ट्री की। ये फैक्ट्री जो है रुड़की में काशीपुरी में ईदगाह के पास सुनहरा रोड पर है, और बंसल ट्रांसफर फैक्ट्री का नाम है इसमें जो आग लगी है। और आप देखते हैं यहाँ पर अभी भी धुआं निकल रहा है, और काफ़ी बुरी हालत यहाँ पर हो रखी है। रात करीब 12 बजे के समय ये आग लगी, और यहाँ पर आग लग जाने से काफी यहाँ पर नुकसान हुआ है। आप देख पा रहे हैं काफी यहाँ पर जो नुकसान हुआ है उससे लोहा धधक रहा है अभी भी यहाँ पर। काफी भयंकर आग यहाँ पर लगी है, देख सकते हैं लोहा भी जलकर राख हो गया है। जो ट्रांसफार्मर लगने वाली चीज है वो यहाँ पर जल के राख हो गई है। रात करीब 12 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जिस समय ये आग लगी। चौकीदार द्वारा फैक्ट्री के मैनेजर को सूचना दी गई कि यहाँ पर आग लग गई है, जिससे कि यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है। आप देख पा रहे हैं पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो चुकी है। ये हम बात करेंगे जो इस फैक्ट्री के मैनेजर हैं उनसे कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। आप देख सकते हैं ये फैक्ट्री का रिकॉर्ड रूम है, जहां पर बताया जा रहा है मैनेजर द्वारा कि इस फैक्ट्री में जो रिकॉर्ड रखे थे, यानी कि जो कागजात रखे थे, वो भी जलकर राख हो गए और काफी नुकसान इस फैक्ट्री को पहुंचा है। यहां पर आप देख सकते हैं अंधेरा होने की वजह से नहीं दिख पा रहा है कुछ, लेकिन काफी यहाँ पर नुकसान दिखाई दे रहा है। और आपको बताएं बंसल फैक्ट्री में ये जो है रात करीब 12:30 बजे करीब आग लगी, और सुबह करीब 5 बजे जाकर ये आग बुझ पाई। और काफी थानों की जो स्टेशन फायर स्टेशन से यहाँ पर जो है लक्सर भगवानपुर लंडोरा कहीं आसपास औद्योगिक क्षेत्रों की फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंची है, यानी की पूरी फैक्ट्री जलकर राख, टॉयलेट भी जलकर राख हो चुका है, सब चीजें, यानी कि पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो चुकी है। कितनी भयंकर दुर्दशा हुई है। और जब बताया जा रहा था जब यहाँ पे आग लगी तो काफी जोरदार यहाँ पे ब्लास्ट भी हुए हैं, जिससे कि आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल पैदा हो चुका था। कंपनी के मैनेजर हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम सब आपका? सुबोध जी, क्या कहना चाहोगे, किस तरह से आग लगी, कैसे आपको सूचना मिल पाई? जिस तरह से बताया जा रहा चौकीदार द्वारा आपको सूचना दी गई, कितना नुकसान हुआ है, क्या है, किस तरह से गाड़ी आई थी, बताइए जरा। रात का समय था, गार्ड यहाँ थे, गार्ड ने 12:30 बजे फ़ोन किया, हम आए तो पूरी फैक्ट्री में आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड आई, 5-7 गाड़ियाँ आई, और सुबह 5 बजे तक फायर ब्रिगेड ने आग पे काबू पाया। नुकसान का आंकलन अभी कुछ नहीं किया जा सकता। तो करोड़ों में है। चलिए, आग लगने का कारण कुछ बताया जा रहा है? देखिए, कुछ निश्चित तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा अंदेशा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। तो रात 12:30 बजे आपको सूचना मिली चौकीदार द्वारा, तो आप यहाँ कहाँ रहते हैं? आप देख सकते हैं कंपनी के जो यहाँ पर मालिक हैं, वह प्रबंध समिति के लोग हैं, यहाँ पर देख रहे हैं भाई कितना नुकसान हुआ है कंपनी में, क्योंकि रात 12:30 बजे ये जो घटना कंपनी में घटित हुई है उससे काफी नुकसान कंपनी को पहुंचा है। जो ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी है, इसमें आग लगी है ईदगाह चौक के पास काशीपुरी में, बंसल ट्रांसफार्मर लिमिटेड कंपनी है, इसमें आग लगी है। और जो कंपनी के मालिक है, देख सकते हैं नुकसान का जायजा ले रहे हैं, जो कर्मचारी उनको दिखा रहे हैं भाई जो नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं काफी नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफी सहमे हुए हैं कंपनी के जो मालिक है, बोल रहे हैं भाई काफी नुकसान हुआ है, अब इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। और